हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप, आप देख रहे हो टेलीविज़न। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आपने एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि सेक्शन वाइज हमें कुछ वोल्टेजेस या किसी डायरेक्शन या किस प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए। तो आज मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ यहाँ पर पावर सेक्शन से, क्योंकि ज़्यादातर CRT TV में पावर सेक्शन का ही प्रॉब्लम आता रहता है। तो इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पर STR वाला पावर सेक्शन ये किट का है। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि आज इसमें मैं आपको पावर सेक्शन के वोल्टेज किन जगह पर कितनी आनी चाहिए और प्रॉब्लम्स क्या क्या किस वजह से आ सकती है, मतलब फॉल्ट की वजह से, ऑटोमेटिक या ब्लिंकिंग, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें होती है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पावर सेक्शन में अगर इस फॉल्ट के लिए कहाँ पर और कितने वोल्टेज आपको चाहिए और आप कहाँ कहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, तो आज मैं बाद में वर्टिकल क्रोमा सेक्शन, ST सेक्शन, साउंड सेक्शन, पूरे सेक्शन के बारे में वीडियो लाने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि पावर सेक्शन के बारे में फर्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो ठीक है, तो बात करते हैं, हमने 240 वोल्ट से स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख, यहाँ पर देख पा रहे हैं सेक्शन लाइट है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं वोल्टेज बताऊंगा कि डायरेक्ट कहाँ पर कितने वोल्टेज आनी चाहिए। तो हम बात करते हैं यहाँ से, यहाँ पर देख पा रहे, ये है अपना AC पॉइंट। यहाँ से होकर हमें डायरेक्ट यहाँ पर एक स्विच की मदद से 240 वोल्ट यहाँ तक आता है और यहाँ से हमें मिलता है, ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ से हमें होकर इस साइड रेगुलेशन कॉइल से हमें मिलता है 240 वोल्ट। अगर आपके टीवी पर आ रहे हैं एक रिट्रेस लाइन, डॉट डॉट रिट्रेस लाइन, अगर आपके टीवी पर दिखाई देती है ट्यूब पर, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो रेगुलेशन कॉइल है, मतलब काम तो कर रहा है लेकिन यहाँ पर स्पार्किंग या कुछ चला हुआ कुछ नज़र आपको आ रहा होगा। इस प्रकार से फूला हुआ तो ये रेगुलेशन कॉइल इस वक्त ख़राब हो सकता है उस सिचुएशन में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पर भी हमें 240 वोल्ट ही मिलेगा, ये दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ग्राउंड से लेके प्लस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, AC करंट है। तो यहाँ से हम आगे निकल आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है रेक्टिफायर, जो जिसका बात जो है डायोड के काम करता है, जो कि इस सिचुएशन में देख रहे हो, यहाँ पर मैंने एक 4 डायोड्स यहाँ पर बनाए वाले हैं, जो डायोड का रेक्टिफायर की जगह पर हमने डायोड लगा दिए है। तो यहाँ से होकर हमें AC करंट यहाँ से छोड़ना पड़ता है और यहाँ से आगे निकल जाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा DC करंट, जो कि ये 300 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, यहाँ पर 300 वोल्ट मिलता है, 450 से 500 वोल्ट का ही कैपेसिटर रहता है। तो यहाँ पर हमें 300 वोल्ट से आगे यहाँ पर आना चाहिए, तो वो भी DC में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम थोड़ा आगे चलेंगे तो बात करेंगे और एक पॉइंट की, जो ज़रूरी होता है STR पॉइंट के लिए। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि हम बात करेंगे, देख रहे हो यहाँ पर पूरे सेक्शन अगर यहाँ पर हमें आ रहे हैं 300 वोल्ट, तो इस सेक्शन को हम बोल नहीं सकते क्योंकि ये डायोड वाला सेक्शन है। यहाँ पर हमें 12 वोल्ट आनी ही है क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट अगर नहीं आते तो हमारा STR जो है पूरी तरह से वर्किंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से फिर हम जाते हैं इस सेक्शन में, देख रहे हो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत दिखा सकूँ यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। थोड़ा क्वालिटी कर रहा हूँ तो ये देख रहे हो यहाँ पर, ये यह हमारा जो कैपेसिटर है 300 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो यहाँ से तो ये जो 12 वोल्ट है STR के सीधा पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट तक, यहाँ पर ये जो 6-5 पॉइंट है इस पे, इस वाले पॉइंट को हमारे STR का 12 वोल्ट यहाँ पर मिलता है, जो कि एक रजिस्टर के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पलटी करके देखते हो तो यहाँ पर भी हमें 2 रजिस्टर मिलेंगे जो सीरीज़ में होंगे। जैसे कि मैं पलटी करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ये हमें रजिस्टर कुछ नज़र्स इसमें आ रही है। तो यहाँ से होके सीधा हमें मिलता है 12 वोल्ट,
जो कि हमें इस सेक्शन से लेकर इस वाले सेक्शन तक 12 वोल्ट डायरेक्ट हमें मिलेगा। यहाँ पर आपको छोटा सा एक रजिस्टर नज़र आएगा, इस रजिस्टर से होके इस वाल पॉइंट के लिए हमें मिलेगा 12 वोल्ट। इस पॉइंट से यहाँ पर हमें मिलेगा एसटीआर के सेक्शन वाले पॉइंट्स 12 वोल्ट। ये भी अगर आपको एसटीआर में नहीं मिलता है तो हमारा एसटीआर चालू तो होता है लेकिन हमें लगता है कि एसटीआर जो है ख़राब है। और कंटिन्यूटी पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी अगर दिखाता है तो भी एसटीआर शॉर्ट है हमारा, या ओम्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम पल्टी कर लेंगे इस जगह पर। इस जगह पर हमें ये जीनर मिलता है, ये जीनर ख़राब होने के बाद ये 24 वोल्ट का जीनर होता है जिससे हमारा एसटीआर, हमें लगता है कि ये जीनर जो है शॉर्ट होने के बाद हमें लगता है कि ये शॉर्ट एसटीआर जो है ख़राब हो चुका है। हम एसटीआर चेंज कर देते हैं लेकिन पावर सप्लाई जो है वर्किंग नहीं करता है। तो ये हो गई हमारी 12 वोल्ट सेक्शन के बारे में जानकारी। तो हम बात करते हैं आप 300 वोल्ट के बारे में। यहाँ से होके हमें मिलता है, यहाँ तक आने के बाद यहाँ मिलता है हमारा 300 वोल्ट। यहाँ से फिर आगे जाते हैं, इससे रेगुलेशन होकर ये इस वाले डायोड से सीधा हमें मिलेगा इस जगह पर हमारा 300 वोल्ट, जो कि यह हमारे चॉपर के सेक्शन में से होकर यहाँ पर आ जाता है। और इस वाले सेक्शन से रेगुलेशन मतलब यहाँ पर हमें ये पीएफ मिलेंगे, दो पीएफ जो एक रेगुलेशन और पावर सेक्शन के लिए होते हैं। जिस अगर ये रेगुलेशन भी अगर ये चॉपर ख़राब हो जाते हैं मतलब ये तो भी हमारा एसटीआर, हमें लगता है कि हमारा एसटीआर जो है ख़राब हो चुका है। तो यहाँ से आगे चल जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर है, ये एक है और ये एक है, 50-50 वाट वाले, 50 वोल्ट 100 माइक्रोफाइड से लेकर। तो यहाँ पर आप 25 वोल्ट 100 माइक्रोफाइड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम मिलेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर मिलेंगे। जैसे कि आप टीवी ऑन करते हो तो हमारा पावर सप्लाई जो है ब्लिंकिंग करता है, या फिर टीवी स्टैंड बाय होने के बाद डायरेक्टली बंद और चालू हो जाता है। तो इस कंडेंसर को हमें चेंज करना है। यहाँ पर 150 का कंडेंसर भी आप लगा सकते हो, जो रेगुलर कंडेंसर है उस जगह पर रहता है कि 47 माइक्रोफाइड से लेके 50 वोल्ट तक इस जगह पर रहता है। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम, ब्लिंकिंग प्रॉब्लम जो है हमारा टीवी में, सीआरटी टीवी में आ जाता है। तो बात करेंगे इसको छोड़कर, यहाँ पर एक कंडेंसर मैंने आपको दिखाया था जो कि ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर आपका टीवी है जो थोड़ा रुक मतलब एक सेकंड लेने के बाद ब्लिंकिंग कर रहा है, तो यहाँ पर आपको एक कंडेंसर जो है आपको मैंने दिखाया है, ये वाला कंडेंसर है, इसे भी आप चेंज करते हो या इसके जगह पर 100 से 50 माइक्रोफाइड का कैपेसिटर लगा देते हो तो हमारा जो ब्लिंकिंग है टाइमिंग उसका बढ़ जाएगा। मतलब 2 सेकेंड से कर रहा है तो 4 सेकेंड से वो ब्लिंक कर जाएगा, जो पावर सेक्शन के लिए ऑन होने के लिए उतना ज़रूरी होता है। तो बात करेंगे आगे और आगे चल के, तो रेगुलेशन में और डायरेक्टली हम यहाँ पर वोल्टेज चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दूसरा गलती से भी कुछ वोल्टेजेस चेक करते हो चालू किट में तो हमारा जो है पावर सेक्शन या एसटीआर डैमेज हो सकता है। तो आगे हम बात करेंगे, यहाँ से रेगुलेशन में आते हैं जो कि एक्टो कपलर के लिए वर्किंग करता है, जो पावर सेक्शन में ही आता है लेकिन पावर सेक्शन के बाहर की जगह पर ये रेगुलेशन सेक्शन माना जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम रेगुलेशन सेक्शन में बाद में बात करेंगे, क्योंकि रेगुलेशन सेक्शन भी बहुत बड़ा है, इसको टाइम लग सकता है। तो रेगुलेशन सेक्शन इसके बाद मैं रेगुलेशन सेक्शन के बारे में वीडियो लेके आऊँगा, ताकि डायरेक्ट हम चलते चलते आगे चल जाएंगे। तो यहाँ से हमें यहाँ पर एक्टो कपलर तक हमें मिलनी चाहिए 12 वोल्ट, 5 वोल्ट या 3 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक हमें इस वाले पॉइंट पर आना ही आना है, क्योंकि अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमारा रेगुलेशन सेक्शन जो है काम नहीं करेगा। इस वजह से भी हमें ब्लिंकिंग प्रॉब्लम जो आते हैं या वर्किंग या वोल्टेज एडजस्टमेंट के बारे में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये प्रॉब्लम्स इस
वजह से आ सकती है। आप यहाँ पर भी अगर आप चेक करते हो कि ओम्स इस जगह पर कंटिन्यूटी पे आप चेक कर रहे हो मीटर पर ओम्स दिखा रहा है, तो हमारा एक्टिव कपलर ख़राब है ऐसे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि डायरेक्टली ये जो पॉइंट है डायरेक्ट हमें चुनता है एसटीआर के इस वाले पॉइंट को। यहाँ पर भी अगर हमें ओम्स दिखाते हैं तो हमारा एसटीआर जो ख़राब है डायरेक्टली। कभी कभी क्या होता है कि हम एसटीआर चेक करते हो तो एसटीआर ख़राब नहीं दिखाता, लेकिन एक्टिव कपलर रेगुलेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है इस सेक्शन में। तो पूरा सेक्शन के बारे में थोड़ी बहुत जितनी भी जानकारी है मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में। अगर इस सेक्शन के बारे में अगर आपको और भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं आपके कमेंट का जवाब अपने वीडियो के थ्रू आपके सामने लेके आऊँगा। तो यहाँ पर फिर इसमें थोड़ा सी बात करेंगे क्योंकि ज़रूरी है। आप यहाँ पर पावर सेक्शन जब भी रिपेयर कर रहे हो अगर आपको फॉल्टी लगता है तो आपको जीनर आपको ज़रूरी चेक कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो है जीनर में ही आती है, उससे रिलेशन ही आती है, क्योंकि ज़्यादातर दूसरे प्रॉब्लम्स कभी कभी पावर सेक्शन में हमें मिलने को मिलती है जगह पर, जैसे फॉल्ट हो गया या और हाई वोल्टेज या बिजली का कड़कना, इस वजह से हमें ज़्यादातर जो पावर सेक्शन में यही प्रॉब्लम्स नज़र आ सकती आती है, रेगुलेशन प्रॉब्लम्स के बारे में ही नज़र आ सकती है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेगुलेशन के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, बात करेंगे रेगुलेशन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।